मुगल शहंशाह शाहजहां और मलका मुमताज के बड़े बेटे दारा शिको की अहलिया नादरा बेगम का मकबरा हजरत मियां मीर मजार के तालाब के वस्त में कायम है, जो इसे दीगर मुगलिया तामीरात से मुनफरिद बनाती है। नादरा बेगम को हजरत मियां मीर से खास अकीदत थी। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें हजरत मियां मीर के पहलू में ही दफनाया गया। इस मकबरे की तामीर नादरा बेगम ने अपनी जिंदगी में ही शुरू कराई, लेकिन इसकी तकमील उनकी और दारा शिको की वफात के बाद औरंगजेब आलमगीर ने मुकम्मल करवाई। इसके चारों तरफ जो है वो पानी के तालाब थे, जिस तरह से गुरुद्वारा हरमिंदर साहब या अमृतसर का जो गोल्डन टेंपल है वो उस तरह की ये इमारत थी, और अब जो है वो पानी के तमाम तालाब जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। मौकिकीन बताते हैं कि नादरा बेगम का मकबरा मुख्तलिफ अदवार में बेशतर हादसात का शिकार रहा। सिख दौरे हुकूमत में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मकबरे से कीमती पत्थर उतरवा दिए। अंग्रेज दौरे हुकूमत में भी इस मकबरे का हुस्न मजीद मान पड़ गया। आज भी नादरा बेगम का मकबरा खंडरात का मंजर ही पेश कर रहा है। नादरा बेगम का मजार और इसके साथ वसी मैदान हुकूमती बेतवज्जी का शिकार है। इस अजीम शान इमारत को मजीद तबाही से बचाने के लिए बेहतर इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ एमन ताहिर, 24 न्यूज़, लाहौर।